मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को गोरखनाथ मंदिर के सभाकक्ष में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश द्वारा ऑनलाइन आयोजित ई बुक का विमोचन किया। इस मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संगठन का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से हमारे लिए सेवा ही संगठन है। सेवा ही संगठन के इस जयघोष को अपने जीवन का संकल्प बना कोरोना काल में कार्यकर्ताओं ने जिस मजबूती के साथ काम किया है, न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य में भी लोगों को प्रेरणा प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ई बुक भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए सेवा कार्यों पर आधारित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना काल खंड के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने सेवा की अद्भुत मिसाल पेश की। उनका ये सेवा कार्य अविस्मरणीय है, जिसकी सर्वत्र सराहना हुई है। जब एक तरफ कोरोना की वजह से व्यापक पैमाने पर पलायन हो रहा था, तो दूसरी तरफ भाजपा कार्यकर्ता जान की परवाह किए बिना सेवा के इस कार्य के साथ जुड़ा रहा। उन्होंने कार्यों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से डिजिटल ई बुक के रूप में प्रकाशन देश के लोगों को सेवा करने की प्रेरणा प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना संकट के दौर में जब सड़कों पर मजदूरों का रेला चल रहा था, तब भाजपा कार्यकर्ता भोजन दे रहे थे। कोई पानी दे रहा था तो कोई चप्पल पहनाने का कार्य कर रहा था। भाजपा कार्यकर्ता नरसेवा नारायण सेवा का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा था। इसी सदी की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ जब लड़ाई की बात होगी तब कभी विभिन्न राजनीतिक संगठनों की चर्चा होगी। उस वक्त भाजपा कार्यकर्ताओं के सेवा भाव को प्रदर्शित करते ये ई बुक आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा का माध्यम होगी। देखने को मिली तो तत्पर होकर के सबसे पहले उसको व्यवस्थित करने का काम उत्तर प्रदेश को इस पूरे कोरोना के कालखंड में संभालने का काम, संरक्षित करने का काम जिनके हाथों से, जिनके घर कमलों से हुआ है, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का आह्वान करूंगा कि आज के अवसर पर हम सभी विमोचन कार्यक्रम के अध्यक्ष, हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, राष्ट्रीय महासचिव माननीय श्री अरुण सिंह जी, सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश में संगठन के कुशल शिल्पी संगठन महामंत्री श्री सुनील बंसल जी, संगठन के सभी लखनऊ में बैठे हुए और प्रदेश के सभी 98 जनपदों में उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाइयों बहनों, डिजिटल डायरी के विमोचन कार्यक्रम के अवसर पर आप सबको मैं बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के मार्गदर्शन में पूरे देश के अंदर वैश्विक महामारी कोरोना कालखंड के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेवा की जो अद्भुत मिसाल प्रस्तुत की है, वह किया कि संगठन का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारे लिए सेवा ही संगठन है और सेवा ही संगठन के इस उद्घोष को अपना जीवन का संकल्प बना करके जिस मजबूती के साथ कार्यकर्ताओं ने कार्य किया, उसे न केवल वर्तमान के लिए अपितु भविष्य के लिए भी, आने वाले समय के लिए भी प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत करने के लिए एक डिजिटल डायरी के रूप में समाज के सामने, देश के सामने प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।